हम इस वक्त कैफुल वरा चौधरी कैफुल वरा उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष, और हम बताते हैं आपको कि 500 साल से इस खानदान से सीएम योगी आदित्यनाथ के मतलब मंदिर से पुरानी दोस्ती है। और बहुत जिस दिन सीएम बने थे योगी आदित्यनाथ, तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को बधाई देने योगी नाथ खुद यहाँ पे पैदल चल करके कैफुल वरा जिसे मिलने आए थे। इतनी घनिष्ठता इन परिवार में। आइए परिवार के सदस्यों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनस चौधरी। अनस जी, योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला है, क्या आपको? बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई हो उनको। हम लोग पूरे चौधरी परिवार की तरफ से, पूरे गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो उनको। हम लोगों की उम्मीद करते हैं कि महाराज जी इस बार कम से कम 3 लाख वोट से गोरखपुर से विजयी घोषित होंगे, और हम लोग को आशा है जितनी मेहनत हो सकेगी हम लोग गोरखपुर शहर सदर से भी और ग्रामीण से भी दोनों जहाँ से हम लोग पूरी मेहनत करेंगे महाराज जी की हर सीट को जिताने के लिए। हाँ, कैफुल वरा जी जो कि यहाँ बैठते हैं यहाँ पे, अभी इस वक्त वो योगी आदित्यनाथ को बधाई देने मंदिर गए हुए हैं। एक ठीक मंदिर देखिए, ठीक मंदिर हमारे सामने मंदिर है इस समय, और यहाँ पे उनकी अपनी एक शॉप है, और ये बहुत पुरानी घनिष्ठता है इस परिवार से, मंदिर का बहुत पुराना नाता रहा है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जब से हम लोगों को पता चला है कि पूज्य महाराज जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तब से हम लोगों में अपार खुशी, पूरे महानगर वासियों में अपार खुशी का लहर दौड़ पड़ा है। और ये पहली बार है, आज़ादी के बाद पहली बार अगर किसी ने गोरखपुर में विकास किया तो पूज्य महाराज जी ने किया, नहीं इसके पहले कोई विकास कार्य नहीं हुए थे। और उनका गोरखपुर से चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी या आम जनमानस में अपार खुशी का लहर दौड़ रहा है, और गोरखपुर में दीपावली मनाया जाएगा। आप योगी आदित्यनाथ को टिकट मिला है गोरखपुर से, गोरखपुर चुनाव क्या सोचते हैं इसको लेकर? वो हमेशा यहाँ से बम्पर रोड से वोट जीतते रहे हैं, फिर जीतेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके कार्यों को देख सभी लोग खुश हैं। बहुत अपार खुशी है कि योगी जी अपने गृह जनपद से ही चुनाव लड़ रहे हैं। बीच में थोड़ा सा ये संदेश आया था कि योगी जी अयोध्या से लड़ रहे हैं, लेकिन योगी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं। हम लोगों के अभिभावक थे, संरक्षक थे, गोरखपुर से लड़ रहे हैं। गोरखपुर ने अच्छा विकास किया है, बहुत तीव्र गति से विकास हुई है, और इससे हम लोगों के अंदर बहुत अपार खुशी है। हम लोग आज खिचड़ी के दिन दिवाली भी मनाएंगे। चाचा, आप योगी जी को जिताएंगे? हाँ, हम महाराज जी से यहाँ गोरखपुर से फिर उठे, यहीं से सब पाएंगे बाबा। और योगी जी अयोध्या से लड़ने वाले थे, अभी तक पता चला था? नहीं, तो यहाँ से लड़ेंगे बाबा। हम हमारे के बाबा के मानता में हमारे के आदम रहते हैं, वो हमारे लिए तैयार हैं उन बाबा के। बाबा ने क्या किया गोरखपुर के लिए? हमारे लिए बाबा बहुत सड़क कर दिया, एक कच्ची जब नहीं रह गया, पक्की हो गया सब, और बढ़िया से कोई गोरखपुर में विधायक लोग कभी नहीं करे हैं बाबा छोड़ के। हम भी यही जानते हैं कि जब से महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, पूरा प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है, और विकास कार्य भी बहुत तेजी से हो रहा है। गोरखपुर का तो बहुत ही विकास हुआ है। जब से ये पता चला है कि महाराज जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता पर खुशी का माहौल है। सब लोग एकदम, दिन में मकर संक्रांति, शाम को दीपावली मनाएंगे हम लोग। जी, देख सकते हैं आप, यहाँ दिन में मकर संक्रांति और रात को दिवाली की तैयारी चल रही है। योगी जी को टिकट मिलने के बाद आपके पास आते हैं, क्या कहना है आपका? योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से। अभी हम लोग गए थे गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने, वहीं पता चला कि महाराज जी का टिकट गोरखपुर सदर से फाइनल हो गया है। और मकर संक्रांति के उपरांत हम लोग इस समय दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, और शाम को हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं कि महाराज जी को टिकट मिला है, महाराज जी ने बड़ा विकास किया है गोरखपुर में। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसको लेकर के आप लोग किस तरह का महसूस? देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का उन्होंने विकास किया है, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे को उन्होंने आगे बढ़ाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन को आगे लगातार बढ़ा रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी, अयोध्या के नागरिक चाहते थे, मथुरा के नागरिक चाहते थे कि योगी जी वहाँ से चुनाव लड़ें, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि गोरखपुर की जनता जनार्दन के जिम्मे, यानी गोरखपुर से उन्होंने चुनाव लड़ने की जो घोषणा हुई है, गोरखपुर का आम नागरिक बहुत ही हर्षित है। ये दोहरी खुशी गोरखपुर की जनता को मिली है, जहाँ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश आज बाबा गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ा रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने से पूरी जनता उत्साहित है और इसको हाथों हाथ ले रही है। आज ही मेरे पास अभी कई जगहों से लोगों के फोन आ रहे हैं, लोग इसको उत्साह के रूप में मनाए, मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है, और शाम को लोग अपने घरों पर दीपक जला करके उनका स्वागत करने वाले हैं। क्या सोचना क्या है, सत्यनिष्ठ ईमानदार कौन पाएगा, वो राजनेता नहीं राजगुरु हैं, और क्या है।
अयोध्या से चुनाव लड़ रहे थे। अयोध्या अयोध्या तो अपनी हैया है, पूरा अखंड भारत खोजा जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सब लोग अपने हैं, कोई अदरवाइज नहीं है। सवाल यह है, मत के मते अनेक है, लोग मत बदलते हैं, धर्म सत्य और सनातन होता है। केवल पर्चा दाखिला करना है उनको, बाकी सारा काम उनके कार्यकर्ता और जनता उनकी करेगी। अभी तक जो देखिए देखने और सुनने को मिल रहा है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि यहाँ की जनता योगी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताना चाह रही है। गोरखपुर से NBT के लिए अनुराग पांडे।